जहाज की तरफ से बच्चे को दिया गया गिफ्ट, और खोलते हैं इसमें क्या होगा। बेबी इन्फेंट गिफ्ट कोई नजर आ रहा है? देखो यार, ये पता नहीं क्या है, आई थिंक वो लहसुन की चटनी होती है, सॉस होता है, ऐसा ही कुछ है। ये अगर किसी को पता है तो भाई मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये है क्या, मुझे नहीं पता। वाह, ये तो कल्टी हो के सीधा भी हो जाता। और ये है वो खुशनसीब बच्ची जो उमरा करके आई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, आज के न्यू व्लॉग में वेलकम कहते हैं। और आज आनिया और अनफाल ने दोनों ने छुट्टी मार ली है। आनिया छुट्टी मारी है? मैंने नए कपड़े पहने हैं। क्या सोच रही हो है? पापा, क्या मैंने नए कपड़े पहने हैं। नए पप्पे पहने या नए कपड़े पहने? नए पप्पे पहने। नए पप्पे पहने आपने आनिया? बोलो ना, नए कपड़े पहने। हाँ, ये अनफाल ने भी नए कपड़े पहने और रात को उम्रे पे सब आए, और इसकी वजह से अनफाल ने छुट्टी मारी है। छुट्टी मारी है स्कूल की, मज़ा आया छुट्टी मारने का है? बड़ी छुट्टियाँ मारती है स्कूल की दोनों हैं। तो भाई फाइनली रात सारा जो है 3:30 बजे सोया हूँ, और अभी जो है तकरीबन 9 बजे उठा हूँ, और काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर एयरपोर्ट पर। काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हमने किया, और कुछ वीडियोस मैंने बनाई, कुछ नहीं बनाई, और क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बनानी पड़ती है ताकि आपको दिखाई जा सके। शॉर्ट क्लिप बनाने पड़ते हैं, बाद में जाके मिक्स करने पड़ते हैं छोटे क्लिप, बाकी को स्किप करना पड़ता है जो सारा दिन की रूटीन होती है। मेन आपको दिखाते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए थोड़ा सा देखने में। और ये है वो खुशनसीब बच्ची जो उमरा करके आई है, हुरैन फातिमा उमरा करके आई हो है। ये छोटी सी बच्ची उमरे पर गई है, और इसकी जो एज है वो है 7 महीने की। 7 महीने में इसने उमरा कर लिया, और बड़ी बात है। हुरैन नींद में सही नहीं है रात को है। ये जहाज़ की तरफ से बच्चे को दिया गया गिफ्ट, और खोलते हैं इसमें क्या होगा। बेबी इन्फेंट गिफ्ट कोई नज़र आ रहा है? जहाज़ वालों ने दिया, क्या हो सकता है आप बता दो कमेंट सेक्शन में अभी से। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। वो ये क्या है? वाह, ये क्या है, इसमें क्या है? यहाँ पे कुछ टिश्यू वगैरह हैं, ये भी कुछ टिश्यू हैं, और बीच में भी कुछ पड़ा हुआ था, यही है बस। जहाज, ये देखो बच्चों के लिए जहाज। क्या यार, मजा आ गया यार। बस मोहम्मद हसन आ गया। मोहम्मद हसन खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? ओ ये क्या लिया आनिया है, क्या ये खा रही हो? भाई यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये बंद टाइप, ये चमचे भी सऊदीया की हैं। ये देखो सऊदीया से आए हुए केचप, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। और भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये तो बंद है, इसने हानिया ने भी उठाया हुआ है, अनफाल ने भी उठाया हुआ है, चमचे भी उठाई हैं आपने। वाह भाई वाह। और ये देखो भाई, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार। और ये पंखा, ओ पंखा उठाया हुआ है। ये देखो यार, ये पता नहीं क्या है, आई थिंक वो लहसुन की चटनी होती है, सॉस होता है, ऐसा ही कुछ है। ये अगर किसी को पता है तो भाई मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये है क्या, मुझे नहीं पता। और उसके बाद ये वाली है, अब इसका भी नहीं मुझे पता कि ये क्या चीज़ है, पाकिस्तानी हो तो पता चले, पहली बार देखा है। हो सकता है कि कुछ चटनी वटनी हो, कुछ ऐसा वैसा हो, कोई सीन पार्ट, ये आप चेक कर सकते हैं। अलदैक वालों का एक होता है अलबैक, ये अलदैक है, उससे मिलता जुलता है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन है ना कुछ खाने वाले, इतना पता है। अब किसी को पता है तो वो ये बता देना, ताकि मुझे इसके साथ लगा के आई थी इनके खाना है। और ये आनिया, इसमें क्या था? इसमें केक था जो जहाज़ में मिला है। हाँ
और ये आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ पौधा वगैरह है। और अबे ये तो बोलता भी है, ये कोज है हैं हसन, ये देखो अच्छा है, अनिया अच्छा है, ये हैं वो देखो मेरी नकल उतार रहा और मटक भी रहा, वो देखो देख वो भी उतार रहा, आपकी नकल उतार रहा है। और ये भाई साहब ट्रैक बना रहे हैं, ये किस चीज का ट्रैक है, ये क्या चीज है, ओए ये तो कूद रही है, हर चीज कूदने वाली लेकर आए हो यार, ये देखो वो देखो मुनि छोड़ो, ये देखो यार इसको देखो यार, ये देखो क्या चक्कर है यार, ये तो वाह, ये तो कल्टी होके सीधा भी हो जाता, वाह वाह। ये भाई साहब इलेक्ट्रीशियन का काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, बिजली वायरिंग जल चुकी थी और आप देख सकते हैं। ये वाली वो वायर थी जो जल चुकी है, ये देखो इसका हाल क्या हो गया यार, अलमारी को आग भी लग सकती थी। माशाल्लाह से बारिश हुई है और मौसम जो है और भी सुहाना हो चुका है, और भाई साहब इंजॉय कर रहे हैं। ये मुर्गा आ गया, हाँ मुर्गे ये देखो मेरे पीछे पीछे आ गए, जैसे ये मैं खाना लेकर आया हूँ उनके लिए। मौसम देखो यार, हाँ भाई मौसम कैसा है, ज़बरदस्त जवान, इस जवान की आंख जो है दिन के 12 बजे खुलती है, सही नींदें पूरी करता है, सही लाश वाली नींदें पूरी करता है। टाइम हो गया 12 का, अब भी शाम का टाइम हो गया ना, सुबह कितने बजे उठा, 6 बजे, झूठ कह रहा। मौसम देखो यार भाई साहब, वो ये हमने कुछ दरख्त लगाए हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये देखो जामुन का दरख्त है, यहाँ पर भी है, वो देखो वो वही वाले फूल हैं जो दिन को आते हैं, और मतलब सुबह सुबह आते हैं, दिन में भी होते हैं और शाम को गायब हो जाते हैं। ये देखो ये सारे के सारे अभी गायब हो गए। और ये नीम का पौधा, ये नीम का ही है ना, हाँ, और ये भी नीम का, और खजूरें भी निकली हुई हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, देखो कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, रह जाता है ज़ाया हो जाता है। ये आम का पौधा भाई, ये बड़ी मुश्किल से लगता है, पता नहीं कैसे लगता है यार, हमने आज तक जितने भी आम लगाए जल जाते हैं, बड़े ही नहीं होते, कद ही नहीं करते, पता नहीं क्या रीज़न है। ये देखो ये बैंगन का, ये हरी मिर्च लगाई हुई है, ये बैंगन है, ये आप चेक कर सकते हैं, इस पर कुछ पड़े हुए थे हमने तोड़ दिए, तो ये अंदर आप चेक कर सकते हैं, माल्टे हैं, ये देखो पड़े हुए, कितना ज़बरदस्त व्यू है यार, वाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ पे, एकदम मस्त लग रहा है यार आज का मौसम। हाँ भाई व्यू आ रहा नहीं आ रहा है, ज़बरदस्त यार, और गांव में रहने के फ़ायदे हैं यार, शहर में कुछ भी नहीं रखा, आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, गांव अच्छा लगता है या शहर अच्छा लगता है, मुझे तो गांव अच्छा लगता है यार, खुला देसी माहौल, खुला कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जाओ घूमो फिरो आयाशी करो, शहर में तंगी यार महसूस होती है, एक दिन भी नहीं रहा जाता शहर में, ऐसा लगता है कि दम घुटने को है।
मुर्गों को दो जगह पे दाना डाल दिया है, लेकिन फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। एक मुर्गी जो है वो बेचारी को मौका ही नहीं दे रहा, इस वाली को, ये देखो डर डर के खा रही है। ये सारी शैतान है, इसको खाने नहीं देती। आ आ आ आ आ आ आ जा इधर, आ जा आ जा आ आ आ आ जा। अब इसको समझ नहीं लगेगी मैंने डाल दिया। आ आ आ आ आ आ आ ये खाओ, ये अब समझ लग गई। अब तीन जगह ये मुर्गा आ गया, मार के भगा देगा इनको। वो देखो अब ये अब तीन तीन जगह पे, ये देखो इधर तीन मुर्गियाँ, वो एक मुर्गा खा रहा है और वो दो मुर्गियाँ खा रही हैं, वो एक फिर भाग गई। वो देखो अब ये वाली उसको मार रही है आई थिंक। अब जोड़ा जोड़ा सही लग गया, दो दो और यहाँ पे एक है। तेरी किस्मत ही साली ख़राब है, उसको खाने भी नहीं दे रहे ये जो अभी आई है। मार खा बस, तेरी यही किस्मत है।